आप सभी को सादर वंदन। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन स्वदेशी विज्ञान आंदोलन, जिसे विज्ञान भारती के नाम से भी जाना जाता है, उसके इस मंच पर। व्याख्यान श्रृंखला 2021 का यह आज का व्याख्यान है और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर डीपी भट्ट सर। इन्हीं के साथ आज के कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हैं डॉक्टर बिश्वरूप रॉय चौधरी जी, और उन्हीं के साथ कार्यक्रम समन्वयक के रूप में डॉक्टर रश्मि मिश्रा, और आयोजन मंडली डॉक्टर रश्मि शर्मा, श्री मधुकर स्वयंभू, और आप सभी विज्ञानियों के साथ मैं डॉक्टर आशुतोष पारिक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से जब हम बात करते हैं प्राण की, जब हम बात करते हैं एक ऐसे तत्व की जो हमें जीवित रखता है, तो हम उसमें ऑक्सीजन को नहीं भूल सकते हैं। और ऑक्सीजन, जिसे कि प्राणवायु के नाम से भी जाना जाता है, उसी के लिए कहा गया है प्राणो वा अथर्वा। शतपथ ब्राह्मण में कहते हैं कि प्राण जो है वह अथर्वा, अर्थात ऐसी स्थिति में हमें लेकर के आ जाते हैं कि हम कभी घबराते नहीं हैं, कभी डरते नहीं हैं, कभी कांपते नहीं हैं। अर्थात यदि हम अथर्व रहना चाहते हैं, हम सदैव अडिग रहना चाहते हैं, इस जीवन में अस्तित्व को श्रेष्ठता के साथ धारण करना चाहते हैं, तो प्राण अत्यंत आवश्यक है। यही प्राणवायु भोजन के रूप में भी हो सकती है, यही प्राणवायु हमें अमृत के रूप में भी हो सकती है, यही प्राणवायु हमारे लिए जल के रूप में भी हो सकती है, अर्थात हमारे जीवन का रस है यह प्राणवायु। तो ऐसे ही विषयों को, ऐसे ही बिंदुओं को आधार बनाकर आज के इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए डॉक्टर डीपी भट्ट सर से निवेदन करूंगा कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें। आप फॉर्मली चीफ साइंटिस्ट एंड हेड आईपीआरएम CSIR-NPL तथा हमारे प्रेरक और सदैव मार्गदर्शक के रूप में रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, और आप आमंत्रित हैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। सर, आपका माइक ऑफ है, आप अपना माइक ऑन कर दीजिए। और साथ ही आपसे निवेदन रहेगा कि जो दो विशेष चित्र हैं, वे चित्र भी सभी के सम्मुख उपस्थित रहेंगे, तो आप उन चित्रों के बारे में भी, उन फोटोज के बारे में भी अपने विचार अवश्य व्यक्त कीजिएगा। जी सर, आपका माइक अब ऑन, आपका माइक ऑन है सर, उसकी जरूरत नहीं आशुतोष जी, उसको बाद में यूज कर सकते हैं आप। ठीक है सर, ठीक है जी सर। सर, आपका माइक पुनः म्यूटेड है सर। जी सर, आप चालू हो गया। सभाय नमः, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आशुतोष जी द्वारा इतने शुद्ध संस्कृत निष्ठ अनुष्ठान के पश्चात और यहाँ पर मौजूद प्रकृति सम्मत शुद्ध ज्ञानी आत्माओं की उपस्थिति के साथ साथ दिव्य सत्ता की अनुभूति मैं अनुभव कर रहा हूँ। अतः सर्वप्रथम मैं डॉक्टर रश्मि मिश्रा, जो इसका संयोजन कर रही हैं, और डॉक्टर आशुतोष जी, जो इसमें चार चांद लगा रहे हैं, आप दोनों के दिव्य प्रयास को नमन करता हूँ, और साथ में दिव्य शक्तियों को भी अपनी तरफ से वंदन करता हूँ, जिसकी मैंने कहा कि मैं स्वयं अनुभूत कर रहा हूँ इस समय, और परोक्ष रूप से इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े सभी प्रतिभागियों का
इस ई विज्ञान श्रृंखला 2021 के छठे संस्करण में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वो विशेषकर आप सभी से निवेदन करता हूं कि आज के मुख्य वक्ता जो एक जोशीले युवा नेतृत्व के प्रतीक के रूप में प्रकृति के समर्थन में सदा एक बुलंद आवाज है, माननीय विश्वरूप रॉय जी, उनका आप सभी लोग मिलकर अभिनंदन करतल ध्वनि के साथ करें। मित्रों, आज की महामारी के संदर्भ में ऑक्सीजन एज ए फूड मुझे लगता है कि सर्वस्वीकार्य मनमोहक विषय तो है ही, साथ में निश्चित रूप से अंत में यह एक ज्ञान सम्मत व जन उपयोगी भी सिद्ध होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। क्योंकि आज की जो क्रिएटेड भयावह परिस्थिति है उसमें ह्यूमन काइंड के स्वास्थ्य के लिए स्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी एक केंद्र बिंदु जैसा बन गया है, जहां जीवन मृत्यु के संघर्ष के बीच चारों तरफ हाहाकार अंतर्विरोध व प्रकृति प्रकोप जैसे थमी नहीं रहा हो। हमारे लिए सदियों की प्राचीन ज्ञान परंपरा पैथी को स्वीकार करना, उस पर शरणागत हो जाना ही मात्र एक उपाय रह गया है। द्वंद करना, झगड़ा करना, विरोध करना बेहतर है कि हम छोड़ दें, जो अभी भी हो रहा है। यानी परंपरागत खान पान व्यवस्था जो हमारी दादी नानी नाना नानी के नुस्खों के आधारित था, आयुर्वेद जिस पर बहुत गर्म बहस हो रही है, मेरे व्यक्तिगत रूप से समझ में नहीं आता है आयुर्वेद का जो TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी भारत सरकार के सहयोग से ही CSIR ने इस CD को लॉन्च किया था, तो ये अंतर विरोध ये समझ में नहीं आता है, लेकिन विडंबना है, ये भारत में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। TKDL जो 45,000 मेडिसिनल प्लांट्स की CD निकाली थी, इसमें आयुष इन्वॉल्व था, आज भी इन्वॉल्व है। तो विश्वरूप जी का कोई विरोध करे, मेरा करे, समझ में आता है, लेकिन आयुर्वेद का जो सरकार से इंडोर्स हो चुका है उस पर अंतर विरोध हम अपनी ऊर्जा का हलास कर रहे हैं। राजर है कि हमको पॉजिटिव चीजों में अपना समय देना चाहिए, ये हमारे मानना है, हमारी बात कोई सुनने वाला है नहीं। नेचुरोपैथी, इन सब पर शरणागत होना ही बुद्धिमानी है। जैसा मैंने कहा, विषय पैथी को लेकर जो विवाद द्वंद आजकल हो रहा है नहीं होना चाहिए, जिसमें असल में सब्जेक्टिव एनालिसिस यानी शास्त्रार्थ हो, आत्ममंथन हो, लेकिन अब तो इसके एक्सटेंशन के तहत व्यक्तिगत ऑब्जेक्टिव वे में भी होने लगा है कि क्यों विश्वरूप जी को भाषण के लिए बुलाया। ये प्रश्न मुझे आया, मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं ओपन डिस्कशन और ओपन डिस्क्लोजर में बिलीव करता हूं। अरे भाई, वो हमारा एक पुरानी कहावत है ना, पढ़ा तो पढ़ा लेकिन गुणा तो नहीं। हमारे सृष्टि में हर आदमी का अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है, अधिकार है। वैसे भी मैं एक IP का आदमी हूं, जिसमें हम विकास के लिए ऑफेंसिव अमेरिकन वे यानी लूट खसूट प्रकृति शोषण एकाधिकार को नहीं अपना सकते हैं, कम से कम भारत के परिप्रेक्ष्य में। हमारे परिप्रेक्ष्य में तो हम नॉलेज शेयरिंग ज्ञान के बांटने में विश्वास करते हैं, जितना ज्ञान मिल जाए फ्री में उतना ही मल्टीप्लाई होगा, इस बात को भूल गए हैं। ये तो हमें बचपन में ही पढ़ाया था, मैंने अपना कहा मैं IP का आदमी, तो IP की स्पेलिंग मुझे पता नहीं थी, तो अब मुझे IP का आदमी बना दिया इन्होंने। लेकिन हमारे बेसिक्स में बताया जाता है कि नॉलेज हम जितना सीखेंगे, चाहे विश्वरूप जी से सीखें, चाहे हमारे डॉक्टर रश्मि जी से सीखें, वो तो हमारी नॉलेज ज्ञान का वर्धन ही होगा। तो बेसिक चीज हम लोग भूल चुके हैं। दादर मैं तो कहूँगा हम त्रिशंकु बन चुके हैं, हम नाम पाश्चात्य
पाश्चात्य की नकल करते करते हम अपना भूल चुके हैं। एनीवे कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। तो हमारी तो मान्यता है कि हम तो डिफेंसिव अप्रोच को लेके चलते हैं, यानी सर्वांगीण विकास पर जोर देते हैं, जिसमें समाज के हरेक स्टेक होल्डर को समाहित करके ही हम लोग यानी विज्ञान भारती दिल्ली या स्वदेशी साइंस मूवमेंट ऑफ इंडिया आज तक आगे बढ़ा है, बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। चाहे वो फॉर्मल सेक्टर हो यानी पढ़े लिखे जो डिग्री होल्डर्स हो, या फिर इनफॉर्मल सेक्टर हो नॉन डिग्री होल्डर्स हो, आर्टिजन्स हो, फार्मर्स हो और गुणी ग्रास रूट लेवल इनोवेटर्स हो, इन सबको साथ लेकर के इन सबके प्रयासों से इन सबकी सहायता से ही हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि पूरा देश विश्वास करता है। अब थोड़ा मैं संस्था के बारे में ये दो चार वाक्यों के तहत बताऊं तो मेरे ख्याल से इस संस्था का उद्गम 7 नवंबर 1981 को IISc बंगलोर में प्रोफेसर के आई वासु जी की अध्यक्षता में या उनके छत्र छाया में हुआ था। और चूंकि इसका आधारभूत उद्देश्य संस्कृत निष्ठ प्राचीन ज्ञान के प्रचार प्रसार के रूप में तब सामने आया, तो तब के हाई प्रोफाइल सो कॉल्ड आधुनिक पश्चिम प्रशस्त परस्त हमारे अपने शीर्ष वैज्ञानिकों ने संस्था को तकियानुसी विचार के रूप में हाईलाइट किया था। विडंबना है कि उसके ठीक एक साल बाद तथाकथित तकियानुसी कहें या यूं कहें कि एक दूरदृष्टा व्यक्तित्व जो मुख्य धारा के विपरीत देश जमीन की मिट्टी से जुड़ा था, उसको आपने यानी हमारे सिस्टम ने जो विरोध कर रहे थे उनको हमारी जो आधुनिक विज्ञान की बहुत बड़ी लेबोरेटरी साउथ में थी उसका डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। कि ये दोहरी जो हमारी सोच है आज की नहीं, आज का तो फिर मैं ये पुरानी बात बता रहा हूँ, तो उस पद पर उनको अलंकृत कर दिया गया जो तकियानुसी विचारधारा के माने गए थे। ये हर्ष का विषय भी था शायद स्वदेशी साइंस मूवमेंट के उत्थान के लिए। और वहाँ पर प्रोफेसर वासु जिनके मेरे ऊपर असीम कृपा रही, मैं उनके साथ जुड़ा एज ए वैज्ञानिक जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया, तो तब से मेरा उनके साथ सानिध्य है। और मैं जब भी जो भी बोल रहा हूँ, जो भी आपके आगे एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ये सब उन्हीं की कृपा है। तो इस संस्था का फर्जर जो पालन पोषण उन्होंने किया वो जारी रखा उन्होंने, और उसका प्रारंभ श्री गणेश कराईकुड़ी व केरल से संपन्न हुआ। और वहाँ पर गांव का विकास, माइक्रो इंटरप्राइजेस गांव में हमने इस्टेब्लिश करे उनके नेतृत्व में, और आज इसका विस्तार समूचे देश में इस स्तर तक हो चुका है कि इसके बारे में अब ज़्यादा कहना जरूरी नहीं है। सर्वांगीण विकास के लिए हमने साइंटिफिक, सोशियो साइंटिफिक, सोशियो कल्चरल, सोशियो स्पिरिचुअल, इस तरह के बहुआयामी आस्पेक्ट पर समाज के लिए योगदान किया, जिस पर अब चर्चा भी की जाती है। यदा कदा हमारी अब प्रशंसा भी होने लगी है, कभी कभार प्रश्न भी उठते हैं, जैसे मैंने कहा प्रश्न तो अभी भी उठे हैं। लीक से बाहर विचारधारा को लेकर भी मुझसे अब सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन मेरा अपना स्ट्रांगली मानना है कि जो आज के वक्ता हैं डॉक्टर बिश्वरूप रॉय जी, इस तरह के व्यक्तियों को जैसा मैंने समझा है एज इफ दे आर अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय सम नेचुरल पावर टू सर्व द ह्यूमैनिटी एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। आई एम इमोशनल, परहैप्स आई एम गेटिंग माय टीयर्स, मेरी थोड़ी इमोशनल हूँ तो मैं खुशी में भी रो जाता हूँ, गुस्से में भी रो जाता हूँ। व्हेन आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक मच अबाउट बिश्वरूप जी। यदि अपनी दिल्ली इकाई यानी विज्ञान भारती दिल्ली के बारे में कहें, तो संस्था ने ऋषि ज्ञान व आधुनिक विज्ञान इन दोनों नॉलेज सिस्टम्स के समन्वय से उत्पन्न संज्ञान पर काम किया है पिछले 2.5 दशक से अविरल, और एंशिएंट विजडम की अवेयरनेस से लेकर आधुनिक विज्ञान अभियांत्रिकी व टेक्नोलॉजी की कड़ी में हमने ग्रामीण विकास, सतत विकास, इनोवेशंस, सामाजिक विकास यानी कम्युनिटी एक्शन, कम्युनिटी विकास, आध्यात्मिक क्षेत्र इत्यादि में हमने राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ साथ विज्ञान मेले आयोजित किए,
और भारतीय भाषाओं में दर्जन से अधिक प्रकाशनों का विमोचन किया। और एक चीज और डिस्टिंक्ट करती है हमारी विज्ञान भारती दिल्ली को, जिसमें कोई अहंकार बस या किसी घमंड के बस नहीं बता रहा हूँ, मेरी जानकारी में ये अकेला साइंस फोरम है भारतवर्ष में कम से कम जो मल्टीलिंगुअल मोड में और कम से कम बाईलिंगुअल मोड में हिंदी को लेकर के पिछले 2 दशक से काम कर रहा है। और उसमें एक और प्रश्न आ जाता है कि जब हमारे कानून बनते हैं, CSIR में पहला नोटिफिकेशन मैं बार बार कहता हूँ 1998 में आया कि भाई हम लोगों को हिंदी में काम करना चाहिए। आज भी हमारा राजभाषा के नाम सेलिब्रेशन होता है। मैं तो हमेशा अपील करता हूँ इसको बंद कर दीजिए, जिस दिन राजभाषा सेलिब्रेशन बंद हो जाएगा ना उसी दिन आप लोग हिंदी को आगे ले जा पाएंगे, अदरवाइज तो टू मी इट्स शॉर्ट ऑफ अ ड्रामा दैट्स गोइंग ऑन फॉर सेवरल ईयर्स, वी आर अनएबल टू इवन टेक अ डिसीजन टू स्टॉप दिस। तो मैं कह रहा था 1998 में नोटिफिकेशन आया, क्योंकि मैं CSIR का पार्ट हूँ तो इसलिए CSIR को ही हाईलाइट करूँगा। लेकिन हमारा जो पहली पुस्तक जो छपी है 1997 में छपी, अब इसको आप कह सकते हैं गैर कानूनी भी कह सकते हैं, हमने गैर कानूनी किया या उससे पहले कर लिया जब नोटिफिकेशन आया, तो उस तरह से मैं एक तरह से एक अलग तरह से संस्था इसको मानता हूँ जिसने इतने वर्षों से बाइलिंगुअल मोड में काम किया है। और उसका फर्दर एक्सटेंशन अभी महामारी कोरोना काल में जब अधिकतर लोग निष्क्रिय हो गए थे, हम लोग उससे ज़्यादा सक्रिय हो गए और डॉक्टर रश्मि शर्मा के नेतृत्व में सिर्फ प्रतीक्षित बहुभाषीय ई डिजिटल पत्रिका कोरोना काल में हम लोगों ने रिलीज करी। तो डॉक्टर रश्मि शर्मा की लीडरशिप को मैं बार बार नमन करता हूँ, हर बार शायद बोलता हूँ, ये रिपीटेशन भी हो जाता है, लेकिन अच्छी चीज़ों को हम कितने बार रिपीट भी करें तो कोई गलत नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है कि इसी काल में, इसी कोरोना काल में हमारी सेट को, मैं सेट कहता हूँ साइंस इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो हमारी मोडस ऑपरेंडी है, उसको औपचारिक रूप से इंडोर्समेंट आदरणीय प्रधानमंत्री के माध्यम से मिल चुका है। कि जब उन्होंने कहा पहली बार कि हमें लोकल से वोकल होना चाहिए, हम तो श्रीमान पहले से वोकल हैं, आज भी हैं और शायद अब आपकी कृपा से और ज़्यादा वोकल हो जाएंगे। तो इस तरह से जो स्वदेशी मंत्र का आह्वान हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने किया आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, एक नए विकास मॉडल के रूप में विज्ञान भारती दिल्ली का अहम रोल होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ये बोलते बोलते मित्रों अनायास ही पुरानी स्मृतियाँ सहज ही मन स्मृत में आ गई, तो चंद शब्दों में उसको कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा और निवेदन करूँगा कि इस पर आप लोग भी ध्यान दें। सत्य का अनुसरण, साइंस इज फॉर ट्रुथ, अंग्रेजी में कहें तो इथिक्स बेस्ड साइंस या इथिक्स बेस्ड एजुकेशन, और क्या इथिक्स बेस्ड टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है इस देश में, या इथिक्स बेस्ड बिजनेस और इवन इथिक्स बेस्ड जुडिशरी, ऐसा हो जाए तो कमाल हो जाएगा, फिर जो हम बातें कर रहे हैं इतना भाषण देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, माँ की कृपा, कलयुग में यदि माँ की कृपा आपके ऊपर हो जाए फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आप पहला काम करेंगे तो दूसरा तो अपने आप ही हो जाए। तीसरा, परम सत्ता का आशीर्वाद तो स्वतः ही मिल जाए, यस और अपयस से तो आप बाहर हैं ही और आगे निकल जाएंगे, तो यस सब हो जाए तो मित्रों ये सब बिगड़े हुए भी है ना जो भी सत्पर और सद्बुद्धि की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ये सामान्य ऑब्वियस एक नेचुरल आधारभूत बात में कह रहा हूं, ये कोई मैंने कोई बड़ा इनोवेटिव बात या नई बात नहीं कहती, वो इसलिए कि आज भी सत्य को साबित करने के लिए 1 अग्नि परीक्षा ली जाती है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। तो बात तो खत्म नहीं होगी इन चंद शब्दों के साथ,
कुछ शब्दों के साथ मैं पुनः आज के जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर बिश्वरूप रॉय चौधरी साहब का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। ओवर टू डॉक्टर आशुतोष, धन्यवाद। जी सर, बिल्कुल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम उस क्षण की ओर अग्रसर हो रहा है जिसके लिए हम सब यहाँ पर प्रतीक्षारत हैं। और आज के जो कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी के सम्मुख पधारे हैं वे हैं डॉक्टर बिश्वरूप रॉय चौधरी। आपकी आयु महज 47 वर्ष है और इस आयु में जो इनका परिचय प्राप्त किया जाता है वह इतना अधिक है कि उसे समाहित करना या उसे यहाँ पर समेट पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ बिंदुओं को लेकर के मैं ज़रूर यहाँ पर आपके सम्मुख इनका परिचय कराना चाहूँगा। डॉक्टर बिश्वरूप रॉय चौधरी मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में हैं और आपने डायबिटीज़ में PhD की थी अलायंस यूनिवर्सिटी जाम्बिया से। आप स्कूल ऑफ ओरिएंटल साइंसेज श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी राजस्थान में ऑनरेरी एडवाइजर बोर्ड के सदस्य के रूप में हैं। इसी के साथ साथ आप लिंकॉन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मलेशिया में कंटेंट क्रिएटर के रूप में हैं। इसी के साथ RICHS वियतनाम में आप एडवाइजर के रूप में कार्यरत हैं। आपकी 25 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। कुछ नाम बहुत ही विशेष हैं, ऐसे नाम हैं जो कि रोगियों को और निरोगियों को सभी को अनायास ही आकर्षित करते हैं, जैसे कि हील पिल इनकी पुस्तक का नाम है, हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे। आज के समय में, आज की परिस्थिति में तो यही बहुत आवश्यक है कि हम हॉस्पिटल ना जाएं, यदि हम चले जाएं तो वहां से जिंदा लौटना भी अपने आप में बहुत एक मुश्किल कार्य हो गया है। तो इसी पर आधारित हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें आपकी एक पुस्तक है। इसी के साथ एक पुस्तक है बॉर्डरलेस डॉक्टर, बहुत अच्छी पुस्तक, बहुत ही बेहतरीन विषय, ऐसे डॉक्टर्स जो कि बॉर्डरलेस हों, सीमाओं से परे जाने वाले हों, उनके बारे में निश्चित रूप से यहाँ पर चर्चा की गई है। और इसी के साथ साथ डायबिटीज फ्री वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसा संसार जिस संसार में लोग मधुमेह अर्थात डायबिटीज से पीड़ित ना हो। आपको बेस्ट डायबिटीज स्पेशलिस्ट का अवार्ड मिला था सन 2017 में और इसके अतिरिक्त भी आपके अनेक उपलब्धियां हैं। आपके मेंटोर के रूप में आप डॉक्टर टी कॉलिन कैंपबेल को, डॉक्टर कोल्डवेल एसेलस्टीन को, डॉक्टर जॉन मैट गल को और डॉक्टर लियोनार्ड होनोवर्दी को मानते हैं। निश्चित रूप से एक शिष्य तभी बनता है जब वह अपने गुरुओं का सम्मान करता है, गुरुओं को याद करते हैं। तो आपके उन समस्त मेंटर्स को भी हम नमन करते हैं और साथ में उनके शिष्य के रूप में जो आप अपने आप को प्रतिपादित करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, उस शिष्य की महत्ता, उनके अनुभव और उनके प्रयासों को भी हम नमन करते हैं। और आप ही ने कहा था कि 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था और आज देश अंग्रेजी दवाओं का गुलाम है। निश्चित रूप से हमें एक ऐसे जीवन की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना है जो हमें गुलाम नहीं अपितु स्वतंत्र बनाए, हमें रोगी नहीं अपितु निरोगी बनाए। और निरोगी बनने के लिए और साथ ही स्वतंत्र बनने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयासों को बहुत ही साधुवाद एवं धन्यवाद। और इसी पर आधारित है आपका आज का विषय ऑक्सीजन एज अ फूड, अर्थात प्राणवायु भोजन के रूप में, खाद्य के रूप में, चाहे कह सकते हैं हम उसे हमारे अस्तित्व को बचाने के रूप में किस प्रकार से उपयोगी हो सकती है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर बिश्वरूप रॉय चौधरी जी को अपने अनमोल वक्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए। आपका सादर नमन और स्वागत। धन्यवाद आशुतोष जी, धन्यवाद। और आई होप मैं आपको ठीक से दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये मेरे लिए प्रिविलेज की बात की आपने मुझे मौका दिया और इस लायक समझा कि आप अपना समय और ऑर्गेनाइजेशन का समय दे रहे हैं और विज्ञान भारती में। और मैं ये आशा करता हूँ ये मेरा पहला है लेकिन आखिरी नहीं होगा आपके साथ।
और सीधे मुद्दे पे चलते हैं। इसमें हम दो पार्ट में करेंगे, जैसा मैं सोचता हूँ कि 15-20 मिनट 30 मिनट ले लेते हैं जो मैं लेक्चर का पार्ट रखूंगा, और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आई एम श्योर आपके दिमाग में सवाल आते जाएंगे, वो सवाल आप लिखते जाइए, उसके बाद 15 मिनट अगर आपके पास समय हो तो आपको क्वेश्चन आंसर में लेंगे, तो ये पूरा एक साइकिल पूरा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन एज फूड, ये ऑक्सीजन ना केवल जीवन जब तक है हमारा तब हमारे लिए ज़रूरी है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ऑक्सीजन की, जब हम मर जाते हैं तब भी ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी होती है। एक सिंपल सी बात याद रखिए, कोई भी इंसान जब मर जाता है, डेथ 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 जिसे बोलते हैं, डेथ का मतलब ये है कि उसकी सांसें किसी की बंद हो जाए, उसकी दिल की धड़कन बंद हो जाए, दैट इज अ क्लिनिकल डेफिनेशन ऑफ डेथ। कैसे पता चलेगा कोई इंसान जिंदा है कि नहीं, यही दो चीज देखते हैं कि उसकी सांसें बंद हो जानी चाहिए और दिल की धड़कन बंद हो जानी चाहिए, अगर ये दोनों कंडीशन मीट करता है तो वो डेड बॉडी है। तो ऑक्सीजन जिंदगी के लिए जरूरी है ये तो हमें पता ही है, लेकिन एक चीज और, ऑक्सीजन जिंदगी की बात के लिए बाद भी जरूरी होती है, एटलीस्ट द लास्ट 4 मिनट आफ्टर द डेथ, मरने के बाद का जो 4 मिनट है, उस 4 मिनट के दौरान जब इंसान मर जाता है वो उसके बॉडी में ऑक्सीजन जो उसने जिंदा रहते लिया था वो ऑक्सीजन उसके बॉडी में अगले 4 मिनट तक रहता है, उसके ब्रेन के सारे सेल्स जिंदा रहते हैं उस बचे खुचे ऑक्सीजन के साथ। यानी कि मरने के 4 मिनट के अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, क्यों वो सांसें नहीं ले रहा उसके बावजूद भी है, और वो ऑक्सीजन 4 मिनट में ख़त्म हो जाने वाला है, और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगा तो ब्रेन के सेल्स बिना ऑक्सीजन के मरने लगेंगे। ब्रेन सेल आर द फर्स्ट सेल जो सबसे पहले मरते हैं बिना ऑक्सीजन के, और उसके बाद बाकी जो बॉडी के सेल्स हैं, चाहे वो हार्ट के सेल हैं, फिर किडनी के सेल हैं, सबसे आखिर में बोन्स जो है और स्किन जो है वो ऐसे मरेंगे, अलग अलग सेल्स मरेंगे। सबसे पहले कौन मरेगा? दैट इज ब्रेन सेल। तो इसका मतलब ये कि मरने के पहले 4 मिनट इंसान मर गया, उसके बाद भी पहले 4 मिनट तक आपके बॉडी के एक एक सेल को जिंदा रखता है ऑक्सीजन, यानी कि जिंदा रखने के लिए वो फूड का काम करता है। ये 4 मिनट में आप मरे हुए इंसान को वापस ला सकते हैं, इसी 4 मिनट में मरे हुए इंसान को वापस ला सकते हैं। वापस लाने की टेक्निक क्या है, वो सारी चीज़ अगर आपको समझना हो तो ये किताब है लास्ट 4 मिनट्स, ये किताब आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से, biswaroop.com मेरा वेबसाइट है, BISWARPP.com, और यहाँ पे तो वो टेक्निक क्या है वो सारी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बट पीपल यू कैन रिवाइव द लाइफ इवन आफ्टर द डेथ फर्स्ट 4 मिनट्स। लेकिन हम क्या करते हैं, उस पहले 4 मिनट में पैनिक करते हैं, हॉस्पिटल में ले जाओ या एम्बुलेंस बुलाओ, ये सारी चीज़ें उन्हें लगा देते हैं, और वो चार मिनट जो है, उस 4 मिनट में बॉडी में ऑक्सीजन ट्रेवल करता है, और वो जो इंसान है जो डेथ था उसकी जो स्पिरिट है वो कभी इस लेवल पे होता है। देखिए ये कोई सुपरस्टिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अवेयर स्टडी टू एक बहुत ही मशहूर स्टडी है, अभी भी रिसेंटली वो कंक्लूड हुआ है, उस स्टडी को आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि साइंस ने अभी ये रिवील किया है कि जब इंसान मर जाता है तब इंसान की जो स्पिरिट बोलेंगे हिंदी में, शायद इसको आत्मा बोलेंगे, वो जाती रहनी है, कमरे के अंदर ही रहती है, बट द पर्सन इज डेड, और दोनों के बीच में क्या है, और 4 मिनट का ऑक्सीजन अभी अंदर है, इस बीच में आप रिवाइव कर सकते हैं। जो लोग रिवाइव होकर वापस आते हैं तो उस 4 मिनट के दौरान आसपास के लोगों ने क्या बात किया, कोई बोल रहा है एम्बुलेंस बुलाओ, कोई कुछ और बोल रहा है, वो सारी चीज़ें वो बता सकता है, जिसपे जिससे ये साबित हो गया कि मरने के 4 मिनट बाद भी इंसान एक बार और मौका है उसको वापस लाने का। तो ये एक अपने आप में पूरा टॉपिक है, इसको हम कभी और अगर आप मौका दें तो हम इस पर चर्चा करेंगे, अभी तो हम चर्चा कर लेते हैं जब हम जिंदा हैं तब ऑक्सीजन एज ए फूड, राइट। मरने के बाद तो है ही, जिंदा है तब ऑक्सीजन एज ए फूड। ऑक्सीजन का कॉन्टेक्स्ट इन दिनों सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जबकि हम में से हम सब ने पिछले दिनों देखा टीवी में कि बिना ऑक्सीजन के इंसान कैसे तड़प तड़प के, इवन गाड़ी के अंदर तड़प तड़प के लेटे हुए हैं और वो मर रहे हैं, ये सारी खबरें हमने मेन स्ट्रीम मीडिया में फ्रंट पेज में देखा, और ऐसा लगने लगा जैसा कि मैं माहौल देख रहा हूँ कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी किसी न किसी दिन मर जाएं। और मैंने देखा कि हमारे जो मित्र हैं और आसपास के लोग हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये सारी चीज़ें वो भी खरीद रहे थे जो कि पूरी तरह से हेल्दी हैं, बस इस दिमाग में एक कंफ्यूजन से कहीं ऐसा हो कि हमें भी जरूरत पड़ जाए, बस ये जो सोच है ना, इस सोच की वजह से ऑक्सीजन लोग घर में जमा करने लगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जमा करने लगे, तो इससे क्या हुआ कि एक डिमांड आर्टिफिशियल क्रिएट हो गया, और जिससे ये सारा माहौल बन गया, और लगने लगा कि भाई देखो ऑक्सीजन की कमी
हो गई है, जबकि असलियत यह है कि हर साल जो लंग डिजीज से, COPD एक्सेट्रा से जो भारत में लोग मरते हैं वो 10 से 15 लाख के बीच में ऑफिशियली लोग मरते ही मरते हैं, 10 से 15 लाख एवरी ईयर। तो वो इस साल भी मरेंगे, वो पिछले साल भी मरे थे और उससे पिछले साल भी, अनफॉर्चुनेटली हर साल इतने ही मरते हैं और उसमें इस साल भी मरेंगे। लेकिन इस बार जब वो मरे, मरने से पहले उनके ऊपर ऑक्सीजन लगा दिया जाता है ये सोच के कि ऑक्सीजन उसको बचा लेगा, जो कि बचा नहीं पाते हैं। लेकिन इस बार ऑक्सीजन लगाने के लिए भी नहीं था, क्योंकि पैनिक में बहुत सारे लोगों ने यूं ही ऑक्सीजन के सिलेंडर को या कंसंट्रेटर को या इस तरह की चीज़ों को अपने अपने घर में या उसको कहीं रख लिया, कब्जा कर लिया। तो ऐसा नहीं कि इस साल एक्सेस लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, बट ऐसा है कि इस बार ज़्यादा लोगों ने उसको ले लिया। अब जैसा जैसा ये बताया जाता है कि ऑक्सीजन नहीं मिला जिसकी वजह से मृत्यु हो गई, ये हेडलाइन काफ़ी दिनों तक आपने अखबार में देखा, ऑक्सीजन नहीं मिला इस हॉस्पिटल में, अचानक ख़त्म हो गया और लोग मर गए। सवाल ये है कि अगर उनको ऑक्सीजन मिल जाता तो क्या वो आज जिंदा होते? द आंसर इज़ नो। अगर उनको ऑक्सीजन मिल जाता तो भी आज वो हमारे बीच में नहीं होते, तो भी आप वो मर जाते। ये कैसे पता चला मुझे कि ऑक्सीजन नहीं मिल, अगर ऑक्सीजन होता तो आज वो तब भी मर चुके होते, जिंदा नहीं होते। हाउ डू आई नो दिस? मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा हूँ? देखिए, मेडिकल साइंस में बोलने के लिए कॉन्फिडेंस से सिर्फ एक ही चीज़ को माना जाता है, दैट इज रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, पास्ट के ट्रायल। पास्ट के ट्रायल में जितने भी ट्रायल ऑक्सीजन थेरेपी भी हुए हैं, सारे ट्रायल मैंने कलेक्ट किए, वो सारे ट्रायल का लिंक भी मैं आपको दूंगा इस कई ओवर होने से पहले। और ये देखा गया कि ऑक्सीजन थेरेपी वर्सेस नो थेरेपी, मतलब दो लोग हैं, दोनों की ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन है, एक को ऑक्सीजन दिया गया, एक को ऑक्सीजन नहीं दिया गया। तो क्या जिसको ऑक्सीजन नहीं दिया गया वो जल्दी मर गया, जिसको ऑक्सीजन दिया गया वो काफ़ी समय तक बचा रहा? क्या ऐसा कोई कोरिलेशन मिला है? अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ऑक्सीजन सिलेंडर का कोई उपयोग नहीं देखा गया, बल्कि ये देखा गया कि जिनको ऑक्सीजन दिया गया उनके मरने के चांसेस तीन गुना और बढ़ गए। सुनने में लग रहा है कि ये क्या कैसी बातें कर रहे हैं, इट इज़ क्वाइट लॉजिकल कि भाई ऑक्सीजन देंगे तो इंसान तो बचेगा ही ना, उसकी ब्रीदिंग अच्छी हो ही जाएगी ना। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझिए, आप मेरी बात पे विश्वास मत कीजिएगा, आप क्वेश्चन अपने लिखते रहिए। एक बात समझिए कि आपकी बॉडी इज नॉट डिजाइंड टू इनहेल ऑक्सीजन, योर बॉडी इज डिजाइंड टू इनहेल एयर। एयर इज नॉट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ पार्ट इन द एयर, एयर मेजर पार्ट इज नॉट ऑक्सीजन, ये तो आपको पता ही है। तो जिस तरह से आपका जो गाड़ी है वो डीजल पे चलती है, मान लो आपकी कार, लेकिन आप सोचते हैं मैं थोड़ा और महंगा फ्यूल डालूंगा, मैं पेट्रोल डाल देता हूँ इसमें और प्योरीफाइड मैं जेट ऑयल डाल देता हूँ, तो क्या आपको लगता है कि आपकी गाड़ी जो डीजल में चलती है वो जेट ऑयल में या पेट्रोल में ज़्यादा बढ़िया चलेगी? नहीं, योर कार इज़ डिज़ाइंड फॉर डीजल, तो इसका मतलब डीजल के अलावा कोई भी और चीज़ डालेंगे, चाहे वो कितना भी प्योरीफाइड क्यों ना हो, वो काम नहीं करेगी, गाड़ी रुक जाएगी, थोड़ी देर तो चलेगी फिर वो बंद हो जाएगी, ये पता है हमें। सिमिलरली, एक इंपॉर्टेंट बात, पहली बात ये याद रखिए कि जो भी पेशेंट को, क्योंकि मैं पेशेंट को बहुत क्लोजली हम देखते हैं और वो भी ऐसे जो सीवियरली इल है, जब हम ऑक्सीजन लगाते हैं किसी पेशेंट को और लगा के अगर 5-6 घंटे लगा के रखें तो दैट विल कॉज निमोनिया। तो वो 5-6 घंटे जिंदा रहेगा, उसके बाद उसके बॉडी में निमोनिया, उसके लंग्स में निमोनिया बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो ऑक्सीजन पे जितने दिन रहेगा उतने दिन वो जो ऑक्सीजन प्योरीफाइड फॉर्म में जा रहा है उसको नुकसान ही करता रहेगा। तो ऑक्सीजन थेरेपी इज नॉट ए सोल्यूशन, हाँ टेम्पोरली उसको ब्रेथलेसनेस कम हो जाएगा, राइट, जो गहरी गहरी सांसें लेने की कोशिश कर रहा था या ब्रेथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था या रेस्पिरेटरी रेट उसका ज़्यादा हो रहा था, उसमें सिम्टोमेटिकली थोड़ा सा आराम दिखेगा आपको, बट 4-5 घंटे वाली बात है, उसके बाद वही ऑक्सीजन उसके लिए डैमेजिंग होता जाएगा। एंड डाउन द लाइन हमने देखा कि 4-5 दिन बाद डॉक्टर बोलेगा इसका लंग्स तो बहुत ज़्यादा खराब हो गया, अब सीधे वेंटिलेटर। वेंटिलेटर का दूसरा नाम है डेथ, वेंटिलेटर मींस डेथ, वेंटिलेटर से कोई बचा नहीं, एटलीस्ट जितने लोगों को मैंने देखा ऑफिशियली 98% लोग दे डाई इन वेंटिलेटर इटसेल्फ, और 2% लोग जो वेंटिलेटर से बाहर निकल के आते हैं वो भी 3-4 महीने में या 6 महीने में अक्सर उनकी मौत भी हो ही जाती है, और वो जो 6 महीने होते हैं वो पैथेटिक कंडीशन में होता है, बहुत ही ज़्यादा उनकी दयनीय स्थिति में वो रहता है, उनकी एक छोटे छोटे एक्टिविटी के लिए वो लोगों पर निर्भर होते हैं, खाना खिलाना, टॉयलेट ले जाना, एवरीथिंग, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीजन कोई रास्ता नहीं है, ऑक्सीजन सिर्फ एक रास्ता है ऊपर ले जाने का, और ऑक्सीजन आपके बचाने का रास्ता नहीं है। देखिए, यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ जो ठीक, जिसको ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन दिया जा रहा है, कोई ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, और ऐसे में मैं इसके ठीक विपरीत बोल रहा हूँ।
तो देखिए आप किसकी बात मानेंगे, आप जो ज्यादा जोर से चिल्ला रहा है या जो ज्यादा लोग बोल रहे हैं वो उसकी बात मानेंगे, या जो सबूत दे रहा है उसकी बात मानेंगे? जो भी टीवी में बोल रहे हैं वो उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, उन्होंने बस ये बता दिया कि ऑक्सीजन की कमी से इतने लोग मर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सबूत देने वाला हूँ और वो सबूत देखिए, देन यू डिसाइड। लेकिन ट्रुथ ये है कि ऑक्सीजन थेरेपी जो है दैट इज नॉट ए फूड फॉर द बॉडी, एक्चुअली दैट मेक्स द मोर्टलिटी हायर। तो कोई ये बड़ी बात नहीं है, लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन पहली बात तो लेने की नौबत क्यों आई, ब्रेथलेसनेस क्यों हुआ, इस पर थोड़ा चलते हैं। पिछले एक साल से आप हम सब मास्क लगा घूमते हैं, ये एक बहुत कॉमन सेंस है और ये साइंटिफिक भी है। मास्क ज़्यादा देर तक लगाएंगे, अपनी थोड़ी भी कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा इनहेल करेंगे, दैट कॉजेज अ सिचुएशन इन द बॉडी दैट इज कॉल्ड हाइपर कैपनिया, यानी कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड धीरे 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 एक एक प्रतिशत कर करके बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन बॉडी में कम होती जाएगी। दैट इज वॉट इज हैपनिंग। एक साल के अंदर लगातार आपने मास्क लगाया, अब तो लोग दो मास्क लगा रहे हैं, थर्ड वेव में 3 मास्क भी लगा लेंगे, और लगाते लगाते आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैपेसिटी कम होता गया और आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती गई। That is what is happening. और वो लोग जिनके कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं और वो लोग जो घर में लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, सनलाइट नहीं है, फ्रेश एयर नहीं है, खिड़की दरवाजे बंद करके एसी के उसमें बैठे हुए हैं, साथ में टीवी चला दिया, टीवी अभी कभी ऑन कर लीजिए, टीवी में एक ही बात आती है कि आप मरने वाले हैं। किसी को मोबाइल से बात करेंगे, मोबाइल से पहले एक रिकॉर्डिंग आती है कि माहौल कितना खराब है, आप कभी भी मर सकते हैं, घर में छुप के बैठ जाइए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, एक बात याद रखिए, एक वर्ड याद रखिए, एफरेंट मिसमैच। इसका मतलब ये है कि जब भी इस तरह की थ्रेटनिंग हम सुनते हैं तो हमारे ब्रेन और लंग्स के बीच में जो एक ट्यूनिंग है वो खराब हो जाती है, जैसे कहते हैं एफरेंट मिसमैच, मेडिकल टर्म जो है। फॉर एग्जांपल आप एक डरावनी मूवी देखने जाइए और आपको पता है कि मूवी है, भूत असली नहीं है, लेकिन जितनी बार भूत आता है आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, आपको रियलिटी में डर लगता है, दैट इज कॉल्ड एफरेंट मिसमैच। ब्रेन के एक पार्ट को पता है देयर इज नो थ्रेट, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, लेकिन फिर भी वो माहौल से आपका हार्ट बीट इरेगुलर होता है, एफरेंट मिसमैच, ब्रीदिंग आपकी एबनॉर्मल पार्ट थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन मूवी तो 3 घंटे बाद बाहर आ जाते हैं, उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन अभी जो एक मूवी चल रही है वो पिछले साल मार्च महीने से चल रही है और अब तक चल रही है, 1 साल से ऊपर हो गया इस मूवी को देखते हुए कि कभी भी किसी की मौत हो सकती है, ऊपर से लॉकडाउन है, आप दोस्तों से मिल भी नहीं पा रहे हैं, गले नहीं मिल पा रहे हैं, हाथ नहीं मिला पा रहे हैं, जो ह्यूमन है टच वो खत्म हो गया है। तो ऐसे में एफरेंट मिसमैच, ब्रेन एंड लंग्स के बीच में जो एक ट्यूनिंग है वो खत्म हो जाती है। तो ट्यूनिंग जब खत्म होगी तो याद रखिए ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी, ट्यूनिंग खत्म होगी ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी। देखिए जब टीवी अगर मैं भी देखता हूँ ना, जबकि मुझे सारा कुछ पता है कि ये किस तरह का स्कैम है, तो मैं भी कई बार डर जाता हूँ कि भाई इतना बड़ा मतलब ये कोई राक्षस जैसे हमें खा जाएगा घर से बाहर निकलते ही, जबकि ट्रुथ क्या है कि ये एक मामूली फ्लू वायरस है। और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ एक लाइन में इस बात को ख़त्म करूंगा, हमारे 550 एक्सपर्ट्स हैं, हमारे कोविड सेंटर्स हैं, मैं जयपुर में है, अहमदनगर में, हिसार में है, अकोला में अगले हफ्ते खुलने जा रहा है, और हमारे एक्सपर्ट्स कभी भी मास्क नहीं लगाते, उनके साथ बैठते हैं और उनसे गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, खाना साथ में खाते हैं, और हमें तो किसी को कोविड नहीं हुआ, हमें किसी को नहीं, 550 हमने अब तक 55,000 पेशेंट देखे हैं, ना तो किसी को कोविड हुआ, ना तो कोई मरा, ना हमने किसी को दवाई दी। और हमारे 20% पेशेंट सीवियर कैटेगरी में आते हैं, सीवियर मतलब जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 88% से कम, जिसमें कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं और जिसमें ब्रेथलेसनेस है और जिसमें टेम्परेचर 102-103 इस ऐसे पैरामीटर के साथ जिनको हमने एडमिट किया, मैं उनकी बात बता रहा हूं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इतने सारे पेशेंट देखने के बाद जब मुझे पता है कि भाई ये तो एक सिंपल सा फ्लू है जिसका ये तमाशा बनाया हुआ है, और उसके बावजूद भी टीवी ऑन करने के बाद मुझे भी डर लग जाता है, टीवी में इस तरह का म्यूजिक का एक आता है, पहले जैसे कोई जो विलन आता है मूवी में, उस विलन के पैर की जो स्टेप्स की आवाज़ आती है, तो उससे एक माहौल क्रिएट होता है। तो टेलीविज़न में न्यूज़ चैनल ये सब करने पर बड़े ही एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो वो भी एक हॉरर मूवी की तरह दिखता है टीवी में जो आप देखते हैं। तो खैर आप टीवी के कोई अखबार का कोई भी पन्ना पलटिए, उसमें भी यही दिखता है कि बहुत लोग मर गए, अब आपकी बारी आने वाली, दैट इज़ अ कंक्लूजन। तो दैट कॉजेज एफरेंट मिसमैच, मास्क कॉजेज हाइपरकैपनिया, ये दोनों को मिलाएंगे, कोमॉर्बिड कंडीशन पहले से ही है तो कोई अनयूजुअल बात नहीं है, ऐसे में वो पेशेंट बन जाएगा नॉट बिकॉज ऑफ एनी कोविड, इट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंस, राइट। ये कितनी बार हुआ है हमारे साथ बचपन में ही, कि कभी भी कोई हमने देखा सबसे जो
भयानक टीचर है, उसने हमारे तरफ देखा, एक बार भी हमारी बढ़ गई। तो ये सब चीजें कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन वो पल भर के लिए था। वही सिचुएशन अगर लंबे समय तक चले, सालों साल, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। दैट इज समथिंग विच इज शुड बी वेरी क्लियर। तो अब क्या हुआ, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, सब कुछ आसान लगे आपको, कि जब भी हमें फ्लू होता है, फ्लू मतलब रेस्पिरेटरी इलनेस, और जैसे एडिनो वायरस है, या फिर ये कोरोना वायरस है, या राइनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं, उन सब वायरस को बोलते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, या फिर फ्लू बोलते हैं। जब भी कभी फ्लू होता है तो ऐसे में बॉडी के पास पहला हथियार है कि वो टेम्परेचर बढ़ा देता है, क्योंकि बढ़े हुए टेम्परेचर में वायरस डिसइंटीग्रेट होते हैं, टूट जाते हैं, तो वो मर जाएंगे। लेकिन पिछले एक साल में पैनिक इतना हो गया कि टेम्परेचर जब भी 100 डिग्री से ऊपर जाएगा तो आप पैरासीटामोल खा लेंगे, तो टेम्परेचर नीचे चला गया। बॉडी का जो पहला हथियार था फीवर, जिससे वो वायरस लड़ता, उस हथियार को आपने नाकाम कर दिया। बॉडी के पास एक दूसरा इंटरेस्टिंग हथियार है, जिसके बारे में किसी ने आपको नहीं बताया। ये जो रेस्पिरेटरी वायरस है, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस, ये कम ऑक्सीजन में मर जाते हैं, दे डाई। तो बॉडी क्या करता है, इस दूसरे हथियार को यूज करता है, अपने अंदर एक सराउंडिंग क्रिएट करता है कम ऑक्सीजन वाला, थोड़े समय के लिए। और लेकिन आपको, जिसे हम बोलते हैं हाइपोक्सिया, लेकिन आपको ब्रेथलेसनेस नहीं देता है, आपको डिस्कम्फर्ट नहीं देगा, तो आपको नहीं पता चलेगा कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है। लेकिन उस ऑक्सीजन के कम होने से वायरस विल डिसइंटीग्रेट एंड डाई डाउन, उसके बाद आपकी बॉडी की ऑक्सीजन अपने आप ठीक हो जाएगी और आपको खबर भी नहीं होगी। इसीलिए इस टर्म को कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। जैसे जो लोग माउंटेन पे जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, मान लो माउंट एवरेस्ट पे, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो बॉडी रीएडजस्ट करती है उनका। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन हम देखेंगे तो ऑक्सीजन सेचुरेशन इस टूल से तो वो 54, 55, 60 नज़र आएगा, लेकिन उनमें ब्रेथलेसनेस है जीरो, ब्रेथलेसनेस नहीं है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है। इसे बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन कम दिखा रहा है ऑक्सीमीटर से, लेकिन आपको सांसों की दिक्कत नहीं है। तो जब भी फ्लू हुआ था 2018 में, 2019 में, 2017 में, हर बार बॉडी ने आपको मौका देख के ऑक्सीजन कम कर दिया था वायरस को लड़ने के लिए, मारने के लिए। लेकिन आपने तब 2019 में, 18 में, आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में ऑक्सीमीटर था, आप में से कितने लोग हैं जिनको ऑक्सीमीटर का नाम भी आपने सुना था, नहीं सुना, यू डिडंट बॉदर ऑल्सो, राइट। लेकिन आप क्या है, घर में खाली बैठे हुए हैं, रह रहे के आप ऑक्सीजन चेक करते हैं। एक आदमी हेल्दी है फिर भी चेक करता है, अरे बाप रे 92 हो गया, अब तो 91 होने से तो मैं मर जाऊंगा, इस तरह की फीलिंग आता है। तो ये जो आ गया, अब क्या है कि जब भी किसी का को इन्फ्लुएंजा होगा या कोरोना होगा, तो ये बहुत लोगों के साथ उनका ऑक्सीजन थोड़ा डिप होगा ही होगा, क्योंकि दैट इज हाउ द बॉडी फाइट्स, स्पेशली जो लोग पैरासिटामोल ले रहे हैं उनके लिए। अब जब वो डिप होगा 88, 85, 86, तो वो बोलेगा भाई मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो, मुझे कॉन्सेंट्रेटर दे दो, मुझे आईसीयू में भर्ती करा दो, और डॉक्टर भी बोलेंगे इनको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो दे आर नॉट द रियल पेशेंट। वो क्या कर रहे हैं, खुद ही अपना दुश्मन बन रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा रियल पेशेंट कौन है? रियल पेशेंट होने के लिए नंबर वन, आप ये चेक करना बंद कर दीजिए बार बार। ये चेक तभी करें जब किसी को ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांसों की दिक्कत। कैसे पता चलेगा सांसों की दिक्कत? उसके हाव भाव से पता चलेगा, या उसका रेस्पिरेशन रेट से पता चलेगा। एक मिनट में कितनी बार सांसें ले रहा है, एक मिनट में 25 बार से ज़्यादा सांसें ले रहा है, तो समझ लीजिए कि इसको ब्रीदिंग की दिक्कत है। अब आप ऑक्सीमीटर से चेक करेंगे, राइट। तो अब अगर चेक किया और 88 से ऊपर है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, चाहे वो ब्रेथलेसनेस दिख रहा हो, वो ब्रेथलेसनेस पैनिक की वजह से दिख रहा है, ना कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिख रहा है। 88 से ऊपर है तो ब्रेथलेसनेस जितना भी करे, वो जितना भी शिकायत करे कि मुझे तकलीफ है, नीड नॉट टू वरी, आपको कंसोल करना है, जैसा हम करते हैं अपने सेंटर में, कोविड सेंटर में, उसको कंसोल करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसको खाना खाते हैं, वो पैनिक कम हो जाता है तो ब्रेथलेसनेस कम हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि ये हमेशा यूज नहीं करना है। ब्रेथलेसनेस होने पे रियलिटी में ऑक्सीजन कम है या पैनिक की वजह से कम है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, उसके लिए आपको देखना है। तो आप देखेंगे ये 88 से ज़्यादा है तो चिंता की बात नहीं है, उसको कंसोल करने की जरूरत है। लेकिन अगर वो ब्रेथलेसनेस भी है और ये 88 से कम है, 87 है, 77 है, 67 है, 57 है, 47 है, देखिए 47 बाद में कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई कन्वेंशनल डॉक्टर बैठा होगा वो मुझे पागल समझेगा, बोलेगा 87 में वो मर जाएगा,
जबकि हम तो 47-40 तक पेशेंट्स को हम देखते ही हैं, हमारे लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं, हमारे या हमारे 550 से अधिक नाइट एक्सपर्ट्स के लिए। तो 47 भी हुआ ना, 40 तक भी हुआ, चिंता की बात नहीं है। हाँ उसमें परेशानी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारा काम है उसका ऑक्सीजन 47 से 87 से ऊपर करना, 88 तक पहुंचा देना। अब मैं सब इस लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, अगला 2 मिनट सबसे महत्वपूर्ण है, इस 2 मिनट को ज़रा ध्यान सुनिए। कैसे आप 47 से 87 में पहुंचा सकते हैं उस इंसान का ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये मैं अभी बता रहा हूँ। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक बात समझिए, ऐसे में अगर ऑक्सीजन लगा देंगे आप उसके, तो वो ऊपर जाने लगेगा 87 तक, तब भी पहुंच जाएगा 15-20 मिनट में, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। लेकिन अब जब वो पहुंचेगा, फोर्सफुली ऑक्सीजन जाएगी तो निमोनिया वगैरह करेगा, नंबर वन। नंबर टू, ऑक्सीजन निकालते ही दोबारा से वो डिप कर जाएगा, तो ये कोई बात नहीं बनी, दैट इज़ ए टेम्प्ररी थिंग। कि ऑक्सीजन लगाया तो ऊपर चला गया, ऑक्सीजन हटाया तो नीचे चला गया। तो ऑक्सीजन कब तक लगाएंगे? 5-6 घंटे लगाएंगे तो वो निमोनिया हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर बोलेगा वेंटिलेटर पर जाएंगे। तो मतलब ये कि ऑक्सीजन सिलेंडर इज़ नॉट ए ऑप्शन। हमारे जितने सेंटर्स हैं वहाँ पे दिखाने को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, ताकि पेशेंट की फैमिली मेम्बर आए तो उन्हें लगे कि हाँ यहाँ पे बंदोबस्त है, लेकिन हम देते किसी को नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन डालने से क्या होगा, कि ही विल बी ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंड दैट विल क्रिएट निमोनिया एंड फर्दर इट विल लीड टू अदर कॉम्प्लिकेशन। तो बेसिक मकसद एक ही है कि किसी भी तरह से इसका ऑक्सीजन सेचुरेशन मुझे बढ़ाना है। सेफ लिमिट क्या है? 87 तक से ऊपर बढ़ाने की कोशिश करनी है, लेकिन 70 से ऊपर चला गया तो बच्चा बंदा जिंदा रहेगा, चिंता की बात नहीं है। ये हमने अपने जो एक्सपर्ट्स हमारे उनको मैंने समझाया हुआ है कि आपको 70 से ऊपर लेना है। हाँ फाइनल गोल 87 से ऊपर है, 88 से ऊपर है, लेकिन 70 से ऊपर तक पहुँचाना है। तो कैसे पहुँचाना है वो ट्रेनिंग मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यान से समझिए मुझे। देखिए अभी मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरी लंग्स की कैपेसिटी, अगर मैंने पेशेंट की लंग्स की कैपेसिटी 15-20% बढ़ा दिया तो समझ लीजिए वो 47 से 87 या 77 तक तो पहुंच जाएगा 15 मिनट में उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन। 15 मिनट में नहीं पहुंचेगा तो आधे घंटे में पहुंचेगा, नहीं तो 1 घंटे में तो पहुंच ही जाएगा, राइट। तो क्या करना होगा? जब भी कोई इंसान खड़ा होता है, जैसे अगर मैं अभी खड़ा हूँ, तो खड़ा जब मैं हूँ, नाउ आई एम स्टैंडिंग, तो मेरी जो लंग की कैपेसिटी है वो कम है, राइट। तो पेशेंट को खड़ा होना अलाउड नहीं है, खड़ा होगा तो उसकी लंग की कैपेसिटी कम है। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, ये बैठने में मेरी लंग की कैपेसिटी कम है। अगर मैं पीछे की तरफ, पेशेंट आपने देखा होगा वीडियो में, फुटेज में देखा होगा कि पेशेंट कार की पिछली सीट में या अगली सीट में ऐसे करके पड़ा हुआ है और वो पीछे सहारा लेके और हाय हाय कर रहा है। ये जो पॉस्चर है आप देख रहे हैं, या ऐसे लेटना, पीठ के बल लेटना, ये जो पॉस्चर है, इस पॉस्चर में हार्ट ऊपर है, लंग्स नीचे है। लंग्स की कैपेसिटी 20% घट गई, हार्ट का जो फोर्स है वो लंग्स पे है। तो पेशेंट को कभी भी अलाउ नहीं करना है कि वो ऐसे लेटे या ऐसे बैठे, राइट। ये है, आप देखेंगे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, जब इवन अभी मैं देख रहा था प्रज्ञा ठाकुर को भी ट्रांसफ़र कर रहे थे हवाई जहाज के माध्यम से शायद, तो तब भी वो ऐसे लेटी हुई थी और मुंह में ऑक्सीजन लगा हुआ है। ये जो दिस इज द वर्स्ट थिंग, ऐसे ना तो बैठना है ना तो ऐसे लेटना, ये आप उस पेशेंट को मारने वाले रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो करना क्या है, इसका ठीक उल्टा। देखिए सबसे इफेक्टिव है, उसको ऐसे बिठा दिया और वो जो पेशेंट ऐसे था उसको धक्का मारा पीछे से, बोला आप ऐसे बैठ जाओ, आगे की तरफ झुक के जितना झुक सकता है, और झुक के बैठते वक्त आगे टेबल है, टेबल का सपोर्ट लेके कोहनी से वो बैठ गया। तो जैसे ही वो ऐसे बैठेगा, अब ये ऑक्सीमीटर यहाँ पे लगाइए, आप देखेंगे मैजिक की तरह हर मिनट एक एक डिग्री वो बढ़ता जाएगा, जैसे रीडिंग फटाफट बढ़ता जाएगा, और उसकी सांसों पर फोकस कीजिए, वो उसको अच्छा लगने लगेगा, राइट। बड़ा ही सिंपल है, बिल्कुल फ्री का, राइट। लेकिन ये बात जो है ना, ये लोग बताएंगे नहीं आपको, सिर्फ उस पेशेंट के पॉस्चर को यहाँ से लेके ऐसे बिठा देना है। दिस इज द पॉस्चर विच कैन इंक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन फास्ट। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे है, राइट, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाँ ओपन एयर, ये तो एक बंद कमरा है, खिड़की खुली होनी चाहिए, दरवाजे खुले होने चाहिए, वो बाहर होना चाहिए। हमारा अहमदनगर वाला जो कोविड सेंटर है, 1100 पेशेंट्स हैं, वो ओपन एयर में है, मतलब उसका छत में हमने कपड़े लगाए हुए हैं लेकिन चारों तरफ से खुला हुआ है, तो वहाँ पे कभी भी दिक्कत नहीं होती, पेशेंट एकदम रिवाइव हो जाता है। तो आपको सब कुछ खोल लेना है, ऑक्सीजन इज इनफ, और आपको उसको ऐसे बिठाना है, तो आपने उसकी 15-20% ऑक्सीजन सेचुरेशन और लंग कैपेसिटी बढ़ा दिया, स्टेप 1। ये हुआ स्टेप 1।
अब स्टेप टू, स्टेप टू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप टू के लिए आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया उसका जो पैनिक को ठीक करना है, पैनिक को ठीक करने के लिए ब्रेन का जो एफरेंट मिसमैच, ये मैंने टर्म बहुत बार यूज़ किया है, ब्रेन का एफरेंट मिसमैच को स्विच ऑन, उसको स्विच ऑफ करना है, उसको ट्यूनिंग करना है ब्रेन एंड लंग के बीच में। उसके लिए स्टेप वन, आपने ऐसे लंग की कैपेसिटी बढ़ गया, राइट, कैपेसिटी ऑफ लंग सी। अब ए, एफरेंट मिसमैच को ठीक करना है, उसके लिए एक टूल आप खरीद लीजिए, दिस इज द टूल, राइट। आप देख रहे हैं ये पंखा है, हैंड हेल्ड फैन, हैंड हेल्ड फैन बोलते हैं, 150-200 रुपये में आता है ये, राइट। अभी तो दुकानें बंद है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। इस फैन को लेके उसके नाक के आगे 6 इंच आगे लगा दीजिए, और ऐसे या तो वो खुद पकड़ लेगा, खुद नहीं पकड़ सकता तो किसी ऐसे कहीं स्टैंड पे खड़ा कर दीजिए या कोई पकड़ ले, राइट। तो ये नाक, और ये फुल स्पीड में चला दीजिए, तो ये जैसे फुल स्पीड में चलाएंगे तो वो हवा उसके इस पोर्शन पर लगेगा। इस पोर्शन के पीछे रिसेप्टर्स हैं हमारे, वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ब्रेन और लंग की ट्यूनिंग को स्विच ऑन कर देते हैं। ये दिखने में बड़ा ही लग रहा है कि बचपना, लेकिन ये एकदम काम करता है, आप करेंगे तो, क्योंकि हम रोज ही देखते हैं इसको। ये स्टेप टू, सी कैपेसिटी ऑफ लंग्स, ए एफरेंट मिसमैच को ठीक करना, राइट। अब दूसरा ए, सी ए ए, दैट इज कॉल्ड एयर फ्लो, उसको मोटिवेट कीजिए, वो गहरी सांस ले और लेके जब मुँह छोड़े तो मुँह से छोड़े, नाक से नहीं छोड़े। आप देखिए सीटी की तरह मुंह बनाना है, फिर गहरी सांस नाक से, जब छोड़े तो मुंह से छोड़े, अगर वो नाक से नहीं ले पा रहा तो मुंह से ही ले और मुंह से ही छोड़े, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन छोड़ते वक्त मुंह को सीटी की तरह रखना। ये है सी ए ए, ऐसा वो 15 मिनट करेगा। 15 मिनट करते हुए अब आप साथ में उसका ऑक्सीमीटर लगा हुआ है, चुपचाप उसको देख रहे हैं, ऑक्सीमीटर में रीडिंग 70 तक आ गई, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट 70 तक आ गई, तो अब उसको आप बोलेंगे, वो पॉस्चर उसका यही है और फैन भी लगा हुआ है, वो लगातार ब्रीदिंग कर रहा है और लगातार आप ऑक्सीमीटर में देख रहे हैं, और वो 70 से ऊपर आ गया तो यानी कि उसके बॉडी के फूड एज ऑक्सीजन एज फूड, आपके उसके बॉडी को काफ़ी सारा ऑक्सीजन मिल चुका है। अब आप टेस्ट करेंगे सी ए ए टी, टी फॉर टेस्टिंग, कि उसको कितना आराम मिला है और क्या कितना रिलीफ मिला है। उसके लिए आप एक बॉक्स सेल होता है ये, राइट, ये 1 से 10 तक में उसको कैसा फील हो रहा है, इसका मैं लिंक दे दूंगा, ये प्रिंट आउट निकाल कर रखिए कलरफुल, और वो कितना उसे पूछ सकते हैं, पहले आप कैसा फील कर रहे थे, कितना ख़राब, ज़्यादा ख़राब तो 10 और बिल्कुल ठीक तो 0, तो 0 से 10 के स्केल में वो बताएगा, 15 मिनट पहले मैं 8 इतना ख़राब फील कर रहा था फॉर एग्जांपल, फिर आप बोलेंगे अब कैसा फील कर रहे हैं, बोलेगा 2 मतलब पूरी तरह ठीक तो नहीं हुआ लेकिन काफ़ी ठीक हो गया, तो बस बात बन गई, उसके दिमाग में भी आ गया कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया हूँ। उसको बोलेंगे कि आप ऐसे ही करके रखिए, 1 घंटा कीजिए, 2 घंटा कीजिए, इस तरह से। तो ये है टी फॉर टेस्टिंग, टेस्ट किया और फिर ये पॉस्चर पर, अब क्या कि वो बड़ा कमज़ोर आए, बहुत देर तक ऐसे बैठ नहीं पाएगा, वो बोलेगा मुझे ऐसे लेट, वो थक चुका है ऐसे में, तो उसको ऐसे लेटने नहीं देना है। अगर उसको लेटना ही है तो प्रोन वेंटिलेशन पोजीशन कहते हैं इसे, प्रोन वेंटिलेशन मतलब पेट के बल लेटना है। पेट के बल लेटेंगे तो क्या होगा कि ये जो हार्ट है, राइट, हार्ट लंग्स के ऊपर नहीं आएगा, राइट, तो लंग्स का कैपेसिटी बढ़ा ही रहेगा, तो पेट के बल लेटना है, और लेट के चेहरा एक तरफ और पेट के बल लेटा हुआ है, और ये जो पंखा है वो आप किसी को बोल के, या सर पंखे की हवा उसके नाक में आ रही है, राइट। तो ये लेटने वाले पोस्चर में भी आपने देखा होगा टीवी में हर जगह कि पेशेंट यूं ऐसे करके पड़ा होता है, एंड दैट इज समथिंग विच इज किलिंग, राइट। पेशेंट को पेट के बल लेटना है, दैट इज कॉल्ड प्रोन वेंटिलेशन पोजिशन। बैठना है तो कैसे बैठना है मैंने बता दिया, लेटना है तो कैसे लेटना है बता दिया। अगर वैसे लेटे लेटे वो थक गया तो 5 मिनट के लिए साइड पोस्चर पर लेट सकता है, किसी भी साइड, फिर दोबारा प्रोन पोजिशन पर लेट, बल्कि लेटने कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। तो ये बहुत बड़ी साइंस है, 1970 से इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी वो मैकेनिकल वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर इनके बिजनेस के चक्कर में ये जो मैंने छोटी सी टेक्निक आपको बताई इसको अवॉइड करते हैं, छोड़ दिया इसको। तो हम अपने पेशेंट को ये कराते हैं और 2 या 3 दिन में जो 50 ऑक्सीजन सेचुरेशन में एडमिट होता है वो 2-3 दिन में करके उसके घर वालों को ट्रेनिंग देके उसको बोलते हैं घर ले जाइए, और धीरे धीरे 95 तक पहुँच जाएगा 2-3 दिन में, और ऐसा ही होता है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो जो जो चीज़ मैंने बताई इनमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इसके लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत
पड़े या आईसीयू में जाने की जरूरत पड़े। मैं ये उन पेशेंट के लिए बोल रहा हूँ जो हॉस्पिटल में सीधे वेंटिलेटर में जाने वाले लोग हैं। ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनको डॉक्टर ने बोला इनको वेंटिलेटर पर ले जाओ आईसीयू से, तभी उनका फोन आता है कि भाई ये स्थिति है क्या आपके पास ले आए। हम बोलते हैं फटाफट ले आओ, लेकिन जब ला रहे हो तो एम्बुलेंस में भी आपको किस तरह से लेटाना है, और हो सके तो हम अपना बंदा भी भेज देते हैं ताकि वो बंदा एम्बुलेंस में भी जब आते हुए भी प्रोन पोजिशन पर ही लेके आए और बैठ सकते तो सिटिंग पोजिशन पर लेके आए, और आते आते ही उसका सिचुएशन बढ़ जाता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ये सिर्फ नॉलेज है जिस नॉलेज से आप किसी की जान बचा सकते हैं, और इसकी विपरीत अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है भी तो भी उसको नहीं देना है, क्योंकि बेसिक मतलब तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने से मतलब है ना। तो अगर वही मतलब है तो जिस रफ्तार से ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन पहुंचाएगा, आप दो पेशेंट रखेंगे, एक सिलेंडर लगाया हुआ है और एक पेशेंट उतना ही बढ़ता है, लेकिन आपने ये वाला टेक्निक अप्लाई किया, आप देखेंगे इसमें भी ऑक्सीजन जो बढ़ेगी बॉडी में उसी रफ्तार से बढ़ेगी। तो आपका अगर कंसर्न है कि इंसान के बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचा देना है तो ये काम कर रहा है और बड़े स्पीडली काम कर रहा है। लेकिन एक बात कॉशन कि जब वो एक घंटे में उसको सब कुछ नॉर्मल लगेगा, सोचेगा अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, और अगर जैसे वो खड़ा होगा तो एकदम से उसको ऑक्सीजन दोबारा 40 में डिप कर जाएगा, राइट, क्योंकि अभी ठीक हुआ है। जब तक कि वो ये पोस्चर पे है तो इसीलिए उसको खड़े नहीं होने देना है, लेकिन अगर टॉयलेट जाना ही है तो कोई पकड़ लेगा उसको, बिकॉज ही मे फॉल। इसीलिए कुछ घंटे करने पड़ते हैं, कुछ घंटे करके फिर थोड़ा उसको चला के दिखाया कि अब ऑक्सीजन सिचुएशन क्या है, और जब देख रहे हैं कि उठने के बाद भी 70 से ऊपर ही रह रहा है तो चलो थोड़ा बहुत उठ लिया, लेकिन मोस्टली उसको इसी पोस्चर पर रहना है। प्लस डाइट है हमारा 3-स्टेप फ्लू डाइट, जो कभी और बात करेंगे, वो डाइट अंदर से रिकवर करने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल हमने देखा है इट टेक्स अबाउट 2-4 डेज फिर हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं हमारे जो सेंटर में होते हैं, और जो घर में होते हैं ऑनलाइन हमारा चलता है वो तो खैर घर में कर ही लेते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको सो कॉल्ड पेंडेमिक या सो कॉल्ड क्राइसिस ऑफ ऑक्सीजन, ये एक क्रिएटेड है ताकि इस बहाने बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बजट कर ले, ऑक्सीजन सिलेंडर का एक बहुत बड़ा व्यापार हो जाए, जैसे वेंटिलेटर का व्यापार हुआ था पिछले साल इसी समय, वेंटिलेटर नहीं है और बहुत सारे ऑर्डर थे। तो आप थिंग्स जो हम कभी और बात कर सकते हैं, अभी तो सिंपली मैंने आपको बताया कि दिस इज अ स्ट्रेटजी विच आई हैव बीन यूजिंग, लेकिन आपको ये पता करना क्या है, ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, वो साइंस क्या है उसके लिए आप ये बुक पढ़िए, नाइस वे टू क्योर COVID-19। ये Biswaroop.com में जाएंगे तो ई बुक फ्री है, इसमें सारे आपको जर्नल्स के लिंक मिलेंगे जो भी चीज़ मैंने अभी बताई, या फिर इसका पढ़ना नहीं है सिर्फ वीडियो देख के सारी चीज़ें समझना है और डिटेल में किसी और को फॉरवर्ड करना है, तो उसके लिए Biswaroop.com/CAAT, राइट, CAAT, राइट। तो ये आप लिख के रखिए, और इसमें ये जो मैंने आपको अभी चार्ट दिखाया था, ये चार्ट भी इसमें आपको प्रिंट आउट के लिए मिल जाएगा, और ये चार्ट निकाल के आप घर पे रखिए, राइट। तो मुझे लगता है एडवांस टूल वो है जो आपके पेशेंट को ठीक कर ले, ना कि लाखों का खर्चा करके हॉस्पिटल जाके अपने बेड लेके, ऐसे पेशेंट बचते नहीं हैं। तो खैर, यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर, और ये जो भी चीज़ मैंने बताई है ये सारे साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड चीज़ें, नंबर वन। नंबर टू, ये वो चीज़ें जो हम पिछले साल से करते आए हैं अपने पेशेंट में, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे वो लोग जो हमारे सेंटर में उनके माध्यम से जो करते आए हैं। और हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो 24 घंटे ऑन है, एंड दैट इज़ 8587059169, राइट। तो इस बुक के पीछे ये लिखा ही हुआ है, तो ये हेल्पलाइन है जहाँ हमारे एक्सपर्ट्स 24 आवर्स रहते हैं, और हम लोगों को बोलते हैं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे सेंटर पे आने की ज़रूरत नहीं, आपके घर में ये सारी चीज़ है, आप हमारे पास आएंगे तब भी हम यही करने वाले हैं। तो लेकिन हम घर में उनको सिखा देते हैं, वीडियो दे देते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से व्हाट्सएप के थ्रू उनको कॉन्टेक्ट करते हैं, और हज़ारों की तादाद में स्पेसिफिक 55,000 पेशेंट हमने ऐसे विदाउट अ सिंगल मॉर्टलिटी। तो ये है सच, और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे। खैर, इसके साथ ही मैं इसको यहीं विराम देता हूँ, कुछ सवाल है तो प्लीज़ सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर Biswaroop चौधरी जी, और बहुत ही सरलता के साथ में, बहुत ही संक्षेप में आपने इस पैंडेमिक की सिचुएशन को और उससे हम कैसे उबर सकते हैं उसके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। और भट्ट सर, क्या कुछ प्रश्न अभी लेने हैं इस समय, क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरह का रहता नहीं, लेकिन फिर भी रश्मि मैम आप वो भट्ट सर, आप पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए, भट्ट साहब अनम्यूट करिए।
ठीक है, मैं कह रहा था कि तो डॉक्टर विश्वरूप जी डिसाइड करेंगे कि हम प्रश्न पूछ सकते हैं या नहीं। सर आपके पास समय है डॉक्टर विश्वरूप जी? हाँ, दो तीन सवालों के लिए पक्का समय है। हाँ तो मैं, एक सवाल मेरा नहीं है, मैं स्क्रीन में देख रहा था कि जब इतना सारा कुछ नेचुरल आप बता रहे हैं, ऑब्वियस चीज बता रहे हैं, तो इसको सिस्टम क्यों नहीं अप्लाई कर रहा है? ये बड़ा विडम्बना है, या मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें खामी निकाली होगी उन्होंने, कुछ ना कुछ तो होगा, तो क्यों नहीं ये लोग इसको अपना रहे हैं इसको? पीके मिश्रा जी का सवाल है ये, पीके मिश्रा जी ने कहा। हाँ, मैं वही देखा था, उन्हीं का सवाल। जी, एक खामी है। देखिए, ये जो भी मैंने आपको बताया, ये पिछले साल 5 मार्च को मैं पार्लियामेंट में जाके फिजिकली डॉक्टर हर्षवर्धन से मेरी फॉर्मल मीटिंग, उस मीटिंग में सारी चीज़ें मैंने उनको सबमिट करके बताया भाई, तो तब से लेके हम ठीक करते हैं, हमारे सेक्टर्स भी हैं। इसमें एक खामी है, वो ये खामी है कि इसमें कोई व्यापार नहीं हो सकता, पैसे का आदान प्रदान नहीं होता। तो ये एक ऐसी चीज़ है, आप में कुछ बेच नहीं सकता, मैं चाहूँ उसको कॉपीराइट कर लूँ या मेरे पास आएंगे तभी हो सकता है, आप कोई सामान बेच सकते हैं, ये तो फ्री में हो सकता है, तो इसीलिए इसको अप्लाई नहीं कर रहे। लेकिन जो सवाल आपने मुझसे पूछा, ये सवाल आप लोगों से पूछिए राइट। हमने प्रधानमंत्री को और अभी 24 मई को मैंने और मेरे 161 डॉक्टर्स और सारे के सारे MBBS MD हमने एक पत्र लिखा है, पत्र का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, और ये पत्र हमने CC टू ऑल चीफ मिनिस्टर और MLA ऑल MP एंड ऑल DM ये हमने लिखा कि भाई ये पूरी स्थिति है, और अब अगर आप इनको नहीं अपनाते तो 1 जून के बाद अगर नहीं डिक्लेयर करते और ये लॉकडाउन वगैरह नहीं करते कि आप लगाया हुआ है, तो हम कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश का नुकसान हो रहा है, आप लोगों को बताओ ही बताओ। जी, और कोई प्रश्न यदि किसी का हो तो? जी, मैं, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, विकास जी बताइए। सबसे पहले तो मैं आशुतोष, एक करेक्शन करूंगा, आपने जो परिचय दिया था विश्वरूप चौधरी जी के नाम पे, एक और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका मेमोरी के नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा, 20 साल पहले मेरे आपसे मुलाकात विश्वरूप जी प्रयागराज में हुई थी, जो उस समय इलाहाबाद था, उस समय आपका एक लेक्चर भी था, 21 साल पहले, शायद 2000 की बात है, उस समय जो पहली बार आपसे मिला था। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो तो पहले से ही अस्थमेटिक हैं और वो जो कोरोना के इफेक्ट में आ गए हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब रेगुलर के लिए जो आपने ये थेरेपी बताई है, तो बहुत ही आसान और बहुत ही इफेक्टिव है, तो जो पहले से ही अस्थमेटिक हैं उनको भी क्या ये करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे? तो ये वही लोग होते हैं जो पहले से इनका लंग ठीक है, जो अस्थमा में हमने दिखा है, तो वही लोगों को ये सारी टेक्निक की जरूरत पड़ती है। बाकी नॉर्मल लोगों को फ्लू होता है तो वो ऑक्सीजन इतना डिप नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, उनका तब डिप करता है जब वो रेमडेसिविर लेते हैं, रेमडेसिविर कॉजेज रेस्पिरेटरी फेलियर। तो दो तरह के लोगों को ये सिचुएशन आती है, वो जिनको पहले से ही अस्थमा वगैरह है, लंग ठीक है, पहले से ही है, और दूसरा वो जो रेमडेसिविर लेते हैं बिकॉज रेस्पिरेटरी फेलियर। तो जो लोग अस्थमेटिक हैं उनके लिए खास डाइट, वो डाइट भी उस बुक में है जो पहले दिखाई आपको, उसमें पूरा डाइट शेड्यूल दिया हुआ है, वो कोई भी घर में आराम कर सकता है उसको पढ़ के। और अस्थमा धीरे धीरे जो पंप वगैरह टूट जाता है, बट इट टेक्स अबाउट 3 to 6 months, कभी कभी 9 महीने भी लग जाते हैं, बट धीरे धीरे टूट जाता है। पहले वो लिम्का था, मेरा गिनीज बुक में है 2008 मेरी। धन्यवाद आपने याद। इसी में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, अगर बट साहब की परमिशन हो, इसी क्वेश्चन में एक सप्लीमेंट्री है कि जो आपने डाइट बताया है तो उसमें कभी कभी किसी को कुछ एलर्जी होती है, जैसे फ्रूट्स एलर्जी है, तो वो फिर कैसे फॉलो करेंगे? मतलब मुझे व्यक्तिगत रूप से फ्रूट एलर्जी है किसी भी तरीके के फ्रूट्स पे, तो डाइट चार्ट कैसे फॉलो करेंगे? जी I'm extremely sorry to interrupt. I would request anybody but the speaker, please put your mic on mute. जी डॉक्टर साहब बोलिए। डॉक्टर विश्वरूप जी बताएं आप। हाँ, मैंने ये बताया कि आज का जो टॉपिक है फूड एज ऑक्सीजन एज फूड, लेकिन आपका जो सवाल था फ्रूट एज फूड, तो फ्रूट एज फूड एक और टॉपिक कभी कर लेंगे, तो क्या है कि उसके सारे डायमेंशन इंक्लूडिंग द एलर्जी उसको वी कैन इंक्लूड। Definitely, sir. Definitely, we would love to listen you again.
it will be a privilege for all to take benefit from your knowledge, sir. I would like to add one thing ki our most capable Madhukar Swayambhu is already taking a video of the entire episode, whatever was deliberated through you, and we are going to make an effort to popularize it as much as we can through our limited context. जी बिल्कुल, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार आज के इस व्याख्यान के लिए, और निश्चित रूप से हम सभी का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा ठीक हो गया होगा इस व्याख्यान को सुनने के पश्चात, और हमें क्योंकि हमारा ऑक्सीजन लेवल ठीक हो चुका है तो हमारे परिवार का और हमारे आसपास वालों का भी ऑक्सीजन लेवल ठीक करने का हम पूरा प्रयास करेंगे, और यदि फिर भी नहीं हो पाएगा तो हम आपके इस व्याख्यान को उन्हें सुना देंगे और आपसे संपर्क करा देंगे जिससे कि उन सबका भी ऑक्सीजन लेवल ठीक रहे। निश्चित रूप से वर्चुअली आपने जो कुछ हमें बताया वह बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सुदृढ़ है और तर्कों पर आधारित है, आपके अनुभवों पर आधारित है, तो हमें निश्चित रूप से अपने इस रोग से लड़ने के लिए इस पैंडेमिक की सिचुएशन में कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने हर्बल या जितने सामान्य या प्राकृतिक उपायों के साथ आगे बढ़ सकते हों उतना अधिक बेहतर होगा। मैं आज के इस व्याख्यान का सार प्रस्तुत करने के लिए SSM'D की उपाध्यक्षा और ई स्वदेशी पत्रिका की संपादिका एवं SSM'D की उपाध्यक्षा डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम से निवेदन करूंगा कि वे आज के इस व्याख्यान का सार प्रस्तुत करें। नमस्कार, आप सभी को डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करती हूँ स्वदेशी साइंस मूवमेंट दिल्ली के इस मंच से। मैं आपने जो कुछ सर्वजन हित के लिए उपयोगी है और बहुत आसानी से उपलब्ध है उन सभी का अपने मूल शोधों के द्वारा, अपने मूल प्रयोगों के द्वारा आपने उन सभी के लिए उसको इतनी आसानी से उपलब्ध किया और करवाया इसके लिए, और आप लिखित और मौखिक रूप से सतत प्रयास करके आप अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहते हैं, इसके लिए स्वदेशी साइंस मूवमेंट दिल्ली आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये कल्याण मंत्र के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर अपने ज्ञान सबके हित के लिए रचा है, आपने उसका आज के संदर्भ में पूरी तरह से जनता के लिए उपयोग करके और सभी के लिए उस चीज को सर्व सुलभ उपलब्ध कराकर इतनी आसानी से और ऊपर तक, जैसा आपने अभी बताया कि आपने प्रधानमंत्री जी को भी, स्वास्थ्य मंत्रालय में भी, अपना लिखित में भी, मौखिक भी, हर तरह से आपने अपने प्रयासों को कहीं भी करने में कमी नहीं रखी है, लोगों को उपचारित करने में, उस उपचार का प्रसार करने में, लोगों के लिए उपलब्ध कराने में इतनी सरलता से, सुलभता से आपने उन सब चीज़ों को सबके लिए उपलब्ध कराया। ये बिल्कुल निश्चित नज़र आ रहा है कि बहुत सारे प्रयोगों में हमने भी देखा है, जैसा आपने बताया कि सिंपल प्रोन पोजिशन, प्राणायाम, और अगर मान लीजिए कि 89, 88 से नीचे अगर जा रहा है तो कुछ जो लोग रहना चाहते थे घर पर वो लोग भी उन सब चीज़ों को उपयोग में करती करते, जैसे आपने बताया कि 40, 47 से 80, 87 तक किस प्रकार से उस लेवल को मेंटेन किया जाए, केवल अपने घर पर रहकर उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और ये बिल्कुल आपने जो बताया कि मास्क लगाने से हम कार्बन डाइऑक्साइड, कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि एक मास्क और दो मास्क लगाकर हम अपने ही द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को बार बार इनहेल कर रहे हैं, क्या यह उचित है? और दम घुटता है, लगभग सभी लोग इस बात को मानेंगे कि मास्क लगाना इतना आसान नहीं है। 5 घंटे 6 घंटे आप अपने टेरिटरी में जहाँ पर भी हैं, वो सभी डॉक्टर्स जो PPE किट पहनकर काम कर रहे हैं पूरे समय, वो बहुत बहुत एक मुश्किल बात है। देवताओं की तरह से वो सबके सब अपनी तरफ से लगे हुए हैं, लेकिन बहुत मुश्किल कार्य है जो अभी
किया जा रहा है, तो आपका जो ये व्याख्यान है मुझे लगता है कि सभी के लिए बहुत उपयोगी है और रहेगा। और बहुत आवश्यकता है, जो स्वदेशी साइंस मूवमेंट है ये सभी को साथ लेते हुए एक ऐसा मूवमेंट बने कि इसमें सभी वैज्ञानिक मूल लेखक चिंतक अपने प्रयोग करके हम सभी लोगों के लिए, जिस प्रकार से आपने बहुत सरलता से इसको उपलब्ध कराया है, इसी प्रकार के प्रयोगों को अब करने का समय है। और मैं आशा करती हूँ कि जो स्वदेशी साइंस मूवमेंट का ये मंच है, ये सभी वैज्ञानिकों और मूल चिंतकों और लेखकों के लिए एक मंच बनेगा कि उनकी आवाज़ आम जनता तक आसानी से पहुंच सके और भारत की जो आत्मनिर्भर भारत की विश्व गुरु की जो छवि है उसको पुनः भारत को उन ऊंचाइयों तक हम पहुंचा सकें, उसमें हमारा जो भी योगदान हो सके। आपकी तरह के जो व्यक्तित्व हैं वह अपना पूरा योगदान कर पाएं, ऐसी मैं शुभकामनाएं करती हूं और मेरी प्रार्थनाएं हैं उन्हें आभार। जय हिंद। जी मैम, बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। और कार्यक्रम को अंतिम चरण की ओर लेकर जाते हुए मैं डॉक्टर रश्मि मिश्रा मैम, जो कि संयुक्त सचिव हैं SSM'D की, साथ ही विभागाध्यक्षा हैं बायोटेक्नोलॉजी NIET ग्रेटर नोएडा में, और इस कार्यक्रम की समन्वयक के रूप में हैं मैम, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पधारे हुए अतिथियों का, वक्ताओं का और समस्त विज्ञानियों का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उन्होंने बहुत अच्छे से कंप्लीट सेशन कैरी ऑन किया। एंड इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टुडे टू थैंक इनवाइटेड स्पीकर प्रोफेसर राय चौधरी जी, हु गिव सच एन इंपॉर्टेंट सेशन टू ऑल ऑफ अस। आई कुड रिलेट इट मोर बिकॉज़ आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एकेडमिस्ट, एंड ही एक्चुअली एट द टाइम हाउ वी कैन गिव सच कंपोज इन करंट पैंडेमिक सिचुएशन, बिकॉज़ more the people are getting panicked, that is psychological state, which is disturbing the entire immunity of the people, and more of these cases are coming. Same he shared in the talk. Thank you so much for reviving the concept of natural therapies, the naturopathy therapies. It's actually the Indian cultural heritage to all of us, and we all are aware of some of the other places, the pandemic situation, it gets side and it gets dusted with the thoughts of fear and other things. Thank you so much for giving such an important session and the session being recorded, the utility, and for revising and listening it again for many people so that we can relive the concept and follow it more clearly. I would like to thank our President D.D. Bhatt, who suggested your name for such an informative talk and who always keeps on promoting us for such, especially for today's talk. Thank you so much, sir. I would like to thank all dignitaries who joined the session today, all the listeners who have joined us today, the entire organizing team. And one more thing I would like to add, that today Dr. Biswaroop has told us, he revised the information with us, that even after the death, 4 minutes, the cell stays active. If that you suggested that you revise with us today, and that can help to revive the life of a patient who was struggling with death and may have died, but still can be revived. If God forbid that doesn't happen, but still that 4 minutes can revive many lives who are waiting for organ donation. So it's a very good concept we have revived with. Thank you so much. I would thank all who are here today on this platform for listening and sharing the talk, and please communicate the same message to all, not to panic, and the YouTube channel that will be shared can be shared among the more and more people can be shared. Thank you so much. I would like to request everybody to please raise for the national anthem. आप सभी से निवेदन है कि हम सभी नेशनल एंथम के लिए, राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। आप सभी स्वस्थ रहें और निश्चित रूप से हम अधिक चिंतित ना हों, अभी तो विचार पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हों और अपने आप को स्वस्थ रखें। आप सभी का आभार एवं धन्यवाद। नमो नमः, शुभम भवतु, पुनर्मिलामः। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का शुभ हो और हम फिर मिलते हैं।